ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर आर्किटेक्चर्स को स्टडी किया था। बेसिकली हम डेटा लेवल पैरेललिज्म को स्टडी कर रहे हैं, और डेटा लेवल पैरेललिज्म बेसिकली थ्री टाइप्स के प्रोसेसर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक वेक्टर आर्किटेक्चर था। और आज जो है हम वो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा टाइप जो प्रोसेसर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। बेसिकली आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें कुछ एक्सटेंशंस जो है उनके इंस्ट्रक्शन सेट्स में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा इंस्ट्रक्शंस का नाम देते हैं। और स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, सॉरी SIMD इंस्ट्रक्शंस, वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए थी। आजकल जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐड हो रही हैं, वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़्यादातर जो हैं वो ऐड हो रही हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस की वो भी जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आजकल ऐड हो रही हैं। तो जो जब ये इंस्ट्रक्शंस SIMD इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी एक्सटेंशंस माइक्रो प्रोसेसर में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो इनिशियली वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मीडिया एप्लीकेशंस ऑपरेट ऑन डेटा टाइप्स नैरोड देन द नेटिव वर्ड साइज 32। तो जो SIMD इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली वो नैरोड डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्राफिक सिस्टम्स हैं, 8-bit टू रिप्रजेंट 3 प्राइमरी कलर्स ईच। आप लोगों को मालूम है जो कलर्स हैं वो 3 प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं, तो हर प्राइमरी कलर को रिप्रजेंट करने के लिए 8 bits आर सफिशेंट। ठीक है जी, और 8 bits जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होती हैं। तो ग्राफिक सिस्टम्स के अंदर बेसिकली ये हमें 8 × 3 24 और प्लस 8, तो 32 bits जो हैं वो हमें सफिशेंट हैं एक रिप्रजेंट करने के लिए। इसी तरह अगर ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए हम देखें, ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए तो हम जो आप लोगों ने DSP के अंदर पढ़ा होगा, पहले आप सैम्पलिंग करते हैं फिर आप क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशंस के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, आप हर सैंपल को एक बाइनरी वर्ड असाइन करते हैं, और वो बाइनरी वर्ड जो है उसी की विड्थ होती है, राइट। तो ये जो ऑडियो सैम्पल्स हैं 8 bits आर सफिशेंट, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए आपको कह लें कि रेजोल्यूशन, तो आप 16 bits यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों से मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि हम जो है ये जो मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस हैं ग्राफिक्स की या ऑडियो की, इसमें जो नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं 32 bits और 64 bits, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन जो हैं, लॉन्ग डेटा टाइप्स हैं, ये इसमें ज़्यादातर क्यों नहीं है, ये नैरो डेटा टाइप्स क्यों हमें चाहिए SIMD इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आप में से जो गेम्स खेलते हैं, तो अगर आपके पास एक पूरी एक फ्रेम है, इमेज का एक फ्रेम है जिसमें आप कह लें कि एक गेम का एक फ्रेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम जो है उसमें चेंज हो रहा हो सकता है आप जस्ट एक पूरे इमेज के अंदर एक स्लाइड सी मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो आप बजाय इसे कि पूरे इमेज को एट अ टाइम प्रोसेस करें, आपको एक छोटा सा डेटा प्रोसेस करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है आपको पूरा इमेज ही आपको प्रोसेस करना पड़े। तो नॉर्मली अब चूंकि आपको प्राइमरी कलर रिप्रेजेंट करने के लिए 8 bits आर रिक्वायर्ड है फॉर ईच प्राइमरी कलर और 8 bit ट्रांसपेरेंसी, तो ये बेसिकली नैरो डेटा टाइप्स जो हैं वो हैंडल हो सकती हैं। इनको 8-bit ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 32 bits का या 64 bits का वर्ड यूज़ करें। ठीक है जी, तो नैरो डेटा टाइप्स जो हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर ये SIMD एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल है। तो बेसिकली आप जो हैं इन SIMD इंस्ट्रक्शन से साइमल्टेनियसली 8-bit ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नैरो डेटा टाइप्स जो हैं उनकी आप 32 साइमल्टेनियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 16-bit ऑपरेशन, बेसिकली ऑपरेंड्स जो हैं उनका साइज़ है, और 8 जो हैं 32-bit ऑपरेंड्स ऑफ 4 जो हैं ओनली 4 64-bit ऑपरेंड जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, इन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी SIMD एक्सटेंशन में, या आपकी अनसाइंड एडिशन सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आप वेक्टर ऑफ डेटा ही आपके पास होगा, और आपके उस वेक्टर ऑफ डेटा और अरे ऑफ डेटा जो है उसके अंदर से आपने एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो चूज़ करनी है। तो अब ये जो मिनिमम और मैक्सिमम जो है, इसको बजाय इसे कि आप सी में इसको प्रोग्राम करें, इनकी कमांड जो है SIMD एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं ये ऑपरेशन। तो आप अगेन
8 32 8 bit अरे के ऊपर इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या कि आप 4 64 bit के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली वेक्टर आर्किटेक्चर्स की तरह, ये एक्सटेंशंस जो हैं ये भी आपके वेक्टर्स के ऊपर ही ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप किसी अरे का एवरेज फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट राइट लेफ्ट और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब की जो सब आप साइमल्टेनियसली अपनी डेटा के ऊपर आप ये ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो SIMD एक्सटेंशंस हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कंपेयर टू वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो SIMD लिमिटेशंस जो हैं उनमें से एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि इसमें कोई भी वेक्टर लेंथ रजिस्टर नहीं होता। आप लोगों ने वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर VL रजिस्टर देखा था, इसमें मैक्सिमम वेक्टर लेंथ जो है वो आप सेट कर सकते थे, कॉन्फिगर कर सकते थे। इसके अलावा एक और रजिस्टर था VL Max, जिसमें मैक्सिमम वेक्टर लेंथ जो है वो आप सेट कर सकते थे। वो मैक्सिमम बेसिकली सेट नहीं कर सकते, बेसिकली वो मैक्सिमम वेक्टर लेंथ आपको प्रोवाइड करता था। SIMD एक्सटेंशन के अंदर जो है वो आपका कोई भी वेक्टर लेंथ रजिस्टर नहीं है। इट मींस के नंबर ऑफ डेटा ऑपरेंड्स एनकोडेड इन ऑप कोड, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके ऑप कोड के अंदर आप वेक्टर लेंथ जो है वो एनकोडेड होती है। ऑप कोड के अंदर वेक्टर लेंथ जो है वो एनकोडेड है। तो इट मींस आप लोगों को 8 बिट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, 16 बिट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगी, 32 के लिए अलग, 64 के लिए अलग होगी। बिकॉज ये जो वेक्टर लेंथ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वेक्टर लेंथ के अंदर वो भी डिफरेंट होंगी। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये जब आपकी ऑप कोड के अंदर एनकोड होगी तो आपकी जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं वो वेक्टर आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन के लिए आप वेक्टर लेंथ को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन जब आपका वेक्टर लेंथ है ही नहीं, वेक्टर लेंथ रजिस्टर है ही नहीं, तो फिर आपकी हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी फॉर ईच टाइप ऑफ ईच लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, सॉरी ईच लेंथ ऑफ वेक्टर डेटा। तो अगेन फिर आप ये जो एक्सटेंशन हैं इसके लिए आप हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं अपने एक्सटेंशन के अंदर एडअप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये SIMD एक्सटेंशन जो हैं वो MMX है, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन हैं, स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशन हैं और एडवांस वेक्टर एक्सटेंशन हैं। इसको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड लिमिटेशन है आपकी SIMD एक्सटेंशन के अंदर वो है कि आपका कोई भी सोफिस्टिकेटेड एड्रेसिंग मोड ये सपोर्ट नहीं करता। जब हमने वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर स्ट्राइडेड और गैदर स्कैटर इंस्ट्रक्शंस को स्टडी किया था, ये SIMD एक्सटेंशन के अंदर ये मोड जो है वो नहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और थर्ड, हमने वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर प्रेडिकेट रजिस्टर्स वेक्टर मास कंट्रोल एक हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, तो SIMD एक्सटेंशन के अंदर ये मास रजिस्टर्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो सच मिशंस मेक इट हार्डर फॉर द कंपाइलर टू जनरेट SIMD कोड एंड इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ प्रोग्रामिंग इन SIMD असम्बली लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो हैं एक प्रोग्रामर की साइड पर जो है वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं कोडिंग के लिए। अगेन अगर आपको यहाँ पे मास्क रजिस्टर्स यूज़ करें तो आप ऑटो ईजीली अपने कंडीशनल लूप्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ये मास्क रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपको कंडीशनल लूप्स जो हैं उनके लिए असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह कंपाइलर एंड के ऊपर भी ये जो SIMD कोड है वो जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके जी। इम्प्लीमेंटेशंस इसमें सबसे पहले जो है वो MMX मल्टीमीडिया एक्सटेंशन 1996 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसमें क्या था जी, जो 8 8-bit इंटीजर ऑपरेशंस और 4 16-bit इंटीजर ऑपरेशंस जो है आप साइमल्टेनियसली इनको परफॉर्म कर सकते थे। इन MMX के अंदर मेन और मैक्स ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। और वैरायटी ऑफ मास्किंग एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर MMX के अंदर जो SIMD इंस्ट्रक्शंस थी उसके अंदर कुछ मास्किंग और कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस जो थी वो एडअप हो गई थी, लेकिन अगेन ये प्रेडिकेट रजिस्टर्स इसमें नहीं थे, ये किसी और तरह सॉफ्ट आप कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस एंड पे आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थी वो अवेलेबल थी जिसमें आप किसी हद तक मास्किंग कर सकते थे। इसके अलावा DSP ऑपरेशंस जो थे वो इसके अंदर अवेलेबल हैं,
फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग, ठीक है जी, मल्टीमीडिया के अंदर आपकी ऑडियो और इमेजेस दोनों आते हैं, ठीक है जी। तो डीएसपी ऑपरेशन फॉर ऑडियो प्रोसेसिंग, इवन इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी आप कुछ ना कुछ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डीएसपी ऑपरेशन इसके अंदर कुछ अवेलेबल एमएमएक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, और ऑपरेशन यूजफुल फॉर मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज। इन एमएमएक्स एक्सटेंशन के अंदर क्या हुआ था, एक मेनली इन्होंने आपकी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपकी जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस थी फॉर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ट्रांसफर, उनको इन्होंने यूज़ किया सेपरेटली। इन्होंने एमएमएक्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं बनाई, बल्कि जो एग्जिस्टिंग आपके इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ट्रांसफर्स की इंस्ट्रक्शंस थी, लोड और स्टोर की फॉर एग्जांपल, इनको इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है जी। नंबर वन, ये जो SIMD एक्सटेंशंस हैं, मेनली अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इंटेल ने ये एक्सटेंशंस जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है। ये रिस्क फाइव के अंदर अवेलेबल नहीं है। SIMD इंस्ट्रक्शन जो हैं, एक्सटेंशन जो हैं, ये इंटेल जो है उसने मेनली ये यूज़ की हुई है। रिस्क में, रिस्क ने SIMD का ओपन नहीं किया, चूज नहीं किया, बल्कि इन्होंने वेक्टर एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस की रिस्क फाइव बंदों ने, ठीक है जी। रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर, रिस्क फाइव आर्किटेक्चर के अंदर उन्होंने वेक्टर एक्सटेंशंस, वेक्टर आर्किटेक्चर्स की जो वेक्टर एक्सटेंशंस हैं, वी एक्सटेंशन, उनको इंट्रोड्यूस किया। SIMD जो एक्सटेंशन हैं जिनमें कुछ लिमिटेशन हैं, ये इंटेल यूज़ करता है, इंटेल वेक्टर एक्सटेंशन यूज़ नहीं करता, ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। सेकेंडली, बेस MMX के बाद 1999 के अंदर इन्होंने SSE स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस की। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो आपके जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं उनके अलावा 16 सेपरेट रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें एक्स, जिनका नाम XMM रजिस्टर्स है, ठीक है जी। ये XMM रजिस्टर्स जो है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन के अंदर के लिए, इनकी जो विड्थ है 128 बिट्स वाइड थे ये रजिस्टर्स, ठीक है जी। और ये जो 128 बिट्स की वजह से दे कैन साइमल्टेनियसली ऑपरेट ऑन 6 8-bit ऑपरेंट्स ऑपरेशंस, 8 16-bit ऑपरेशंस एंड 4 32-bit ऑपरेशंस। अगेन यहाँ पे आप जब आपके पास यहाँ पे आप 464-bit ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो यहाँ पे भी आप जो है वो, अगर आप 128 बिट्स के बाद आप 4 जो है वो 32-bit ऑपरेशंस परफॉर्म कर सक रहे हैं। इस SSE 1, ये बेसिकली फर्स्ट वर्जन था आपका 1999 में, इसमें आप सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डबल प्रिसीजन अवेलेबल नहीं थी, ठीक है जी। और जैसे MMX के अंदर इन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को रीयूज किया था, इस SSE के अंदर आपकी जो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सेपरेट रजिस्टर्स, देयरफॉर सेपरेट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, इन्होंने सेपरेट इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस की फॉर डेटा ट्रांसफर। और ये जो डेटा ट्रांसफर था, ये बेसिकली XMM रजिस्टर से जो ट्रांसफर हो रहा है, जो बेसिकली जिनकी विड्थ जो है 128 बिट्स है, जो इंटेल के नॉर्मल जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं दे आर आइदर 32 बिट्स और 64 बिट्स, ठीक है जी। तो ये जो XMM रजिस्टर्स हैं दे आर 128 बिट्स, इनके लिए इन्होंने सेपरेट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इस SIMD एक्सटेंशन के अंदर इंट्रोड्यूस किए, ठीक है जी। तो ये फिर आए वक्त के साथ साथ अपडेट होते गए, और 2001 में SSE 2 इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में SSE 3, 2007 में SSE 4, इन सब ने बेसिकली 4 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सपोर्ट किए, और इन्होंने सिंगल प्रिसीजन के साथ साथ डबल प्रिसीजन जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन उनके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड की, ठीक है जी। और डबल प्रिसीजन, चूँकि आप जानते हैं डबल प्रिसीजन के अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो डबल हो जाती हैं, 32 to 64 बिट्स, तो ये जो एक्सटेंशन हैं 2, 3, 4, इनमें आप 2 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक्सेलरेशंस जो हैं, या मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, बेसिकली मल्टीमीडिया एक्सेलरेशंस जो हैं, इनको, इनके लिए ये एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इन एक्सटेंशंस के अंदर अवेलेबल थी। उसके बाद जनाब, ये एडवांस वेक्टर एक्सटेंशन 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, इसके अंदर इन्होंने नए रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए। बेसिकली ये इन्होंने किया ये कि ये 128 बिट्स है, इसकी विड्थ डबल कर दी टू 256, और इन रजिस्टर्स का जो नाम था डेट इज़ YMM रजिस्टर्स, ठीक है जी।
तो डबल विड्थ होने की वजह से नंबर ऑफ ऑपरेशन की जो विड्थ है वो भी डबल हो गई। तो ये एट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एडवांस वेक्टर एक्सटेंशन के अंदर, और फोर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो हैं वो आप इस AVX के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी टू है तो यहाँ पे आप जो है फोर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ AVX इंस्ट्रक्शंस की कुछ सबसेट यहाँ पे गिवन है आपकी बुक के अंदर, ठीक है जी। और ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर यूजफुल है। इसके अंदर मैं एक दो आपको बता देता हूँ, ये वी सब पैक्ड, यहाँ पे जो पी है पी इट स्टैंड फॉर पैक्ड, राइट। तो एक चीज़ याद रखनी आपने, ये जो SIMD इंस्ट्रक्शंस हैं इनके अंदर आपका डेटा जो है वो पैक्ड होना ज़रूरी है, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी अलाइंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड कहीं पे पड़ा है दूसरा वर्ड कहीं और पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 128 बिट्स हैं, 128 बिट्स 128 बिट्स का आपका रजिस्टर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नैरो डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं 8 बिट्स के ऊपर, तो 8 बिट एक स्टार्ट में पड़ी हुई है और एक एंड पे पड़ी हुई है, इट मस्ट बी पैक्ड एंड अलाइंड, ठीक है जी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वेक्टर ऐड पैक्ड डबल प्रोसीजन, डी फॉर डबल प्रोसीजन पी फॉर पैक्ड, ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ऐड फॉर पैक्ड डबल प्रोसीजन ऑपरेंड्स। और इसी तरह ये जो है VFMADDD मल्टीप्लाई एंड ऐड, ये फ्यूज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मल्टीप्लाई और ऐड साइमल्टेनियसली एक ही अपने ऑपरेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकती हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगी और एडिशन भी करेंगी। ऐसा नहीं है आप एडिशन की इंस्ट्रक्शन अलग यूज़ कर रहे हैं और मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन अलग यूज़ कर रही हैं। दिस दिस एफ इज़ फॉर फ्यूज, ठीक है जी। तो वैक्टर फ्यूज मल्टीप्लाई ऐड डबल प्रोसीजन पैक्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। तो ये ADD इज ऐड, SUB इज सब्ट्रैक्शन, P फॉर पैक्ड एंड D इज फॉर डबल प्रोसीजन। तो इस तरह बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको देख सकते हैं। अब ये वेक्टर AVX इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये जो एक्सटेंशन हैं ये भी वक्त के साथ साथ अपडेट हुई। इन 2013 इसका सेकंड वर्जन हुआ, इसमें क्या हुआ इन्होंने 30 न्यू इंस्ट्रक्शंस ऐड अप की। अब ये शुरू में जो SIMD इंस्ट्रक्शंस के बारे में कहा गया है कि भाई इनमें नो वेक्टर लेंथ रजिस्टर, नो गैदर स्कैटर और स्ट्राइडेड इंस्ट्रक्शंस और नो मास्क रजिस्टर्स, तो इंटेल ने 2013 में AVX2 के अंदर 30 न्यू इंस्ट्रक्शंस ऐड अप की, जिसके अंदर से गैदर स्कैटर ऑपरेशंस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। इससे पहले SIMD इंस्ट्रक्शंस के अंदर गैदर और स्कैटर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, ठीक है जी। और 2017 के अंदर AVX 512 एक्सटेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और स्टिल ये अभी तक यूज़ हो रही है। आज के जो 11th जनरेशन जो 2020-21 में इंट्रोड्यूस हुआ है, आई गेस कि इसके अंदर भी 11th जनरेशन जो इंटेल रॉकेट लेक जो प्रोसेसर है इसके अंदर भी आपका जो SIMD एक्सटेंशन है इट इज़ AVX 512, ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, 256 से भी डबल कर दिया आपके रजिस्टर्स की लेंथ, 512 बिट्स रजिस्टर कर दिया, ठीक है। हाफ मेगाबाइट का रजिस्टर है आपका, एक सिंगल रजिस्टर, और इनका नाम है ZMM रजिस्टर्स, ठीक है जी। तो इसकी वजह से डबल द नंबर ऑफ रजिस्टर्स फ्रॉम 16, और अगेन पहले यहाँ पे आपकी SSE के अंदर जो फर्स्ट 1999 के अंदर एक्सटेंशन थी उनके अंदर 16 सेपरेट रजिस्टर्स थे। तो इन्होंने ना सिर्फ AVX 512 के अंदर ना सिर्फ रजिस्टर्स की विड्थ डबल की है, इसके अलावा इन्होंने नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो भी डबल कर दिए हैं फ्रॉम 16 SSE के अंदर थे 232, ठीक है। 250 न्यू इंस्ट्रक्शंस इन्होंने ऐड अप की, और इस एक्सटेंशन के अंदर वक्त के साथ साथ इन्होंने प्रेपरेशन की है कि आने वाली एक्सटेंशंस के अंदर ये 512 से 1024 बिट का एक सिंगल रजिस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो 11th जनरेशन है इसके अंदर ये प्रेपरेशंस हैं कि 1024 बिट्स की जो एक सिंगल रजिस्टर है वो इसके अंदर ये इसकी सपोर्ट इन्होंने डाल दी है, लेकिन अभी तक ये 1024 बिट्स के आई गेस के ये अवेलेबल नहीं है, कि अभी तक ये 512 बिट्स के ही रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगेन जी मैं पहले बता चुका हूँ इन सब एक्सटेंशंस के अंदर ऑपरेंट्स मस्ट बी कंजेक्टिव एंड अलाइंड मेमोरी लोकेशंस एंड मस्ट सपोर्ट बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। ये जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का इशू है ना वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने लेट्स सपोज आपने अपना एक
वेक्टर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया हुआ है आपने नाम से, ठीक है, और आपने फ्यूचर में वेक्टर एक्सटेंशंस करनी है, तो आप लोगों को शुरू में चूज़ करना पड़ेगा कि आप लोगों ने वेक्टर एक्सटेंशंस करनी है या आपने SIMD एक्सटेंशंस बनानी है। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा SIMD एक्सटेंशंस के ऊपर चले गए तो उसके अंदर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स इस AVX 512 के अंदर 1996 की MMX जो एक्सटेंशन है 1996 की, उसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, ये सब एक्सटेंशन। तो अगर आप एक दफ़ा SIMD एक्सटेंशन के पास पे चल पड़े तो फिर इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप SIMD एक्सटेंशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं और फिर बाद में आप क्या करें वेक्टर एक्सटेंशन की तरफ आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल शुरू में चूज़ करना होगा कि ओके आपने वेक्टर एक्सटेंशन की तरफ जाना है, जैसे RISC-V वाले गए हैं, या फिर इंटेल की तरह आप लोगों ने SIMD एक्सटेंशन बनानी है और वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करते रहना। ओके जी, आप में से मुझे कोई बताएगा कि आप लोगों के पास जो माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों के लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर है उसके अंदर कौन सी एक्सटेंशन यूज़ हो रही है इन सब में से, कोई आप में से मुझे बताए। सर SIMD एक्सटेंशन ऐसा नहीं, ओके SIMD यूज़ हो रही है, लेकिन उसमें से इनमें से कौन सी यूज़ हो रही है? AVX यूज़ हो रही है, SSE यूज़ हो रही है, MMX यूज़ हो रही है, और कौन सी यूज़ हो रही है? SSE 1, 2, 3, 4, AVX या कोई और? आपके आप सारों के पास इंटेल का है, ज़्यादातर के पास इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। अगेन RISC-V के जो प्रोसेसर्स हैं, RISC-V के, ये स्टिल अभी अंडर टेस्टिंग है, ये इतने अभी मार्केट में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुए, लेकिन उनके ट्रेनिंग बोर्ड्स जो हैं, जैसे आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में एक टीवा का बोर्ड शायद पढ़ा हुआ है, यस टीवा का बोर्ड आप लोगों ने ट्रेनिंग बोर्ड यूज़ किया हुआ है, उसमें आप उसमें आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, तो RISC-V माइक्रो प्रोसेसर के ट्रेनिंग बोर्ड्स अभी तक अवेलेबल हुए हैं कमर्शली। ऐसे कि आपके लैपटॉप्स रिस्क बेस्ड आना शुरू हो जाए, ये अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने ज़रूर सुना था कि इन्होंने रिसेंटली विंडोज़ XP शायद RISC-V के ऊपर ना इन्होंने रन किया, और Linux भी सक्सेसफुली रन कर चुके हैं, ठीक है। और अगेन इनके वेक्टर एक्सटेंशन अभी स्टिल अंडर डेवलपमेंट हैं। तो आप सबके पास इस वक्त 99% स्टूडेंट्स के पास जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो है ही थोड़े से स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, 10 के पास इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर होगा, किसी के पास शायद AMD का हो। तो आप में से जिनके पास भी इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर हैं उन सब में SIMD एक्सटेंशन हैं, ठीक है। आप में से किसी के पास भी 1996 से पहले का प्रोसेसर नहीं होगा, सबके पास 1996 के बाद वाला ही प्रोसेसर अवेलेबल है आप सबके पास। तो इन सब में से जो मैंने एक्सटेंशन आपसे आज डिस्कस किए हैं, आप में से आप लोग थोड़ा उस पर गौर करें और मुझे बताएं, मैं आपको 2-3 मिनट्स देता हूँ। आप इवन गूगल भी कर सकते हैं, अपने माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल देखें एग्जैक्ट, और देखिए उसमें कौन सी एक्सटेंशन अवेलेबल है। जी कौन बताएगा मुझे आप में से, तो एक दो स्टूडेंट्स बताएंगे। G48 क्या कौन सी एक्सटेंशन है? AVX2। ओके जी, गुड। ओके जी, आगे हम देखते हैं SIMD कोड, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में AX+Y का कोड देखा था, इसके हमने काफ़ी डिटेल में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, डिफरेंट इसके फ्लेवर्स इम्प्लीमेंट किए हैं, स्केलर में भी इम्प्लीमेंट कर लिया, वेक्टर में भी इम्प्लीमेंट कर लिया, अब SIMD कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगेन यहाँ भी आपने एक कॉन्स्टेंट A जो है वो एक F0 के अंदर लोड किया, ये SPLAT इंस्ट्रक्शन है, splat.4d। अच्छा, ये जिन इंस्ट्रक्शन के साथ .4d अपेंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छा एक चीज़ और, ये जो कोड है इसके अंदर YMM रजिस्टर यूज़ हुए हैं, राइट, यानी बेसिकली ये 256 बिट्स AVX एक्सटेंशन के लिए कोड है, इसमें 256 बिट्स जो रजिस्टर्स हैं YMM वो यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल AVX 512 के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें 256 बिट्स हैं, तो इट मीन्स आप 4 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो splat4d है, तो इस splat4d के जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली आपकी स्केलर की 4 कॉपीज जो हैं वो बनाती है, ठीक है। ये splat इंस्ट्रक्शन आपकी इस A0 की 4 कॉपीज जो हैं वो आपकी बना देगी। अब आप क्या कह रहे हैं, लूप के जो आपने लूप का जो फाइनल एड्रेस है इट इज़ 256, बिकॉज हमारी ये अजम्पशन थी प्रीवियस लेक्चर्स में और आज भी कि ये एक्स और वाई के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दैट इज़ 32, ठीक है जी। तो 8 × 32 इज 256, सो दिस इज द लास्ट एड्रेस टू लोड फ्रॉम मेमोरी। तो यहाँ से आपकी लूप स्टार्ट हो रही है,
और इस लूप के अंदर एक सेकंड असम्पशन हमारी ये थी प्रीवियस लेक्चर में और आज भी कि एक्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है इट इज़ फ्रॉम एक्स फाइव और वाई का जो स्टार्टिंग एड्रेस है इट इज़ इन एक्स सिक्स, ठीक है जी। तो आपने फर्स्ट वेक्टर लोड किया, फोर एलिमेंट्स आपने लोड किए हैं, फोर साइमल्टेनियस ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, डबल प्रिसीजन। तो क्या हुआ है जी, आपने फोर एलिमेंट्स यहाँ पे लोड किए हैं एफ वन के अंदर, सॉरी यहाँ पे आपने फोर एलिमेंट्स आपने लोड किए हैं एफ वन में, एक्स आई, एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस टू, एक्स आई प्लस थ्री, ठीक है जी। और फिर आपने उसे स्केलर से फोर कॉपीज जो हैं आपने बनाई थी यहाँ पे इस फ्लैट में, तो हर एलिमेंट को आपने ईच कॉपी से मल्टीप्लाई कर दिया इस वेक्टर को, और ये एफ वेक्टर अब स्टिल आपका एफ वन के अंदर ही है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या किया, ये एफ टू फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, इसके अंदर आपने नेक्स्ट वेक्टर वाई को लोड किया और इस वाई के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप एफ वन और एफ टू, ये दो वेक्टर्स हैं एफ वन और एफ टू, इन दोनों को एड अप करें, ठीक है जी। अब आपके फोर एलिमेंट्स के लिए जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, इन फोर एलिमेंट्स को आपने वापस मेमोरी में वाई के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, अब आपने अपनी जो आपके रजिस्टर्स हैं एक्स फाइव और एक्स सिक्स उनको इंक्रीमेंट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इनको 8 से इंक्रीमेंट किया था क्योंकि वन एलिमेंट स्केलर वेक्टर स्केलर आर्किटेक्चर्स के अंदर हमने इनको वन सिंगल एलिमेंट का इंक्रीमेंट किया था 8 बिट्स का, और यहाँ पे हम 4 एलिमेंट्स का विच इज़ 32 बिट्स हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपके फोर एलिमेंट्स को आपने साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया, और फिर अगेन यहाँ पे आपने चेक किया लूप को, ब्रांच नॉट इक्वल, तो जब आपके x5 और x28 इक्वल नहीं है तो ये लूप जो है वो कंटिन्यू होगी। जब आपका इसके अंदर x5 के अंदर 256 होगा आफ्टर आइट्रेशंस, तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस लूप में भी क्वेश्चन है, सिंपल सी लूप है, बस आप ये करें कि आप साइमल्टेनियसली फोर ऑपरेशंस जो है यहाँ पे परफॉर्म करें, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो SIMD आर्किटेक्चर्स हैं, इनका जो कुछ फ़ायदा है वो ये कि आप इनको इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग वो नहीं है जो आप असेंबली लैंग्वेज में करें, इट इज़ ईजीएस्ट वे टू यूज़ SIMD इंस्ट्रक्शंस इज थ्रू केयरफुली रिटन लाइब्रेरीज। अगर आपने SIMD एक्सटेंशन यूज़ किए हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा आपने सी में, जावा में, पाइथन में प्रोग्रामिंग की हुई है, और अगर लो लेवल लैंग्वेज में सी में बात करें तो आप हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। तो होता ये है, मैंने पहले कहा प्रोग्रामर के लिए असेंबली लैंग्वेज में इस SIMD इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें गैदर स्कैटर की अब बाद में अवेलेबल हुई है, शुरू में अवेलेबल नहीं थी, प्रेडिकेट रजिस्टर्स नहीं है, जो इनका फ्यूचर में प्लान है कि भाई हम इसको इसमें प्रेडिकेट रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। तो कुछ लिमिटेशन हैं SIMD इंस्ट्रक्शंस की, इस वजह से जो बेसिकली करते लोग ये हैं कि लोगों ने लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि कंपाइलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो जनरेट कर रहा है, प्रोग्रामर के लिए भी मुश्किल है, कंपाइलर के लिए भी मुश्किल है। तो हुआ ये हुआ है कि लोगों ने SIMD इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए कुछ लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं, और वो लाइब्रेरीज या तो वो फ्रीली अवेलेबल कर देते हैं, ओपन सोर्स हैं, अगर क्लोज सोर्स हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो उन लाइब्रेरीज़ को साइंटिफिक कंप्यूटिंग में नॉर्मली ये यूज़ होती हैं, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग में आप यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की डेफिनेटली SIMD एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए लाइब्रेरीज लिखी गई हैं, उनको यूज़ करते हुए आप जब ये लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं तो आप इन SIMD इंस्ट्रक्शंस को उन लाइब्रेरीज के थ्रू इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। राइटिंग कोड इन असेंबली लैंग्वेज ये अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं तो इनडायरेक्टली आप इन लाइब्रेरीज के थ्रू इन SIMD इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों का कोई बहुत ही पुराना कंपाइलर है ना, अगर आपने जो सी लैंग्वेज की होगी कहीं पे किसी सेमेस्टर में, तो अगर आप लोगों के पास कोई अप टू डेट कंपाइलर नहीं है या आप पुराना ही पुराने ज़माने का टर्बो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर SIMD एक्सटेंशंस की सपोर्ट जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो कंपाइलर्स भी हैं वो भी अपडेटेड होने चाहिए। तो कंपाइलर्स आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस SIMD इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली, राइट। ये आज के जो अपडेटेड लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, अगेन कंपाइलर्स भी अपडेट होते रहते हैं, तो जो अपडेटेड कंपाइलर्स हैं इनके अंदर इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये SIMD इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट प्रोवाइड करें, राइट।
तो प्रोग्रामर्स मस्ट बी श्योर टू अलाइन, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस आई एम डी इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके ऑपरेंड्स मस्ट बी कंजेक्टिव एंड अलाइंड, ठीक है, वरना क्या होगा, कंपाइलर जो है वो आपके वेक्टर कोड, वेक्टराइजेबल कोड का स्केलर वर्जन जनरेट कर देंगे, ठीक है. उनको नहीं पता चलेगा कंपाइलर्स को कि भाई आपने वेक्टर कोड जनरेट करना है, एस आई एम डी इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी है. अगर आपके ऑपरेंड जो हैं अलाइंड नहीं है, पैक्ड नहीं है, तो वो स्केलर कोड जनरेट कर देंगे, ठीक है. तो ये कंपाइलर्स को हैंडल करना है कि भाई ये जो सॉरी कंपाइलर प्रोग्रामर्स को हैंडल करना है जिन्होंने लाइब्रेरीज बनाई हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो आपके डेटा जिन पे आप एस आई एम डी इंस्ट्रक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, डेट मस्ट बी अलाइंड एंड पैक्ड, ठीक है जी. तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, उसके बाद हम एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट समझने लगे जो बेसिकली आप लोगों के वेक्टर आर्किटेक्चर्स या एस आई एम डी इंस्ट्रक्शंस, जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं या डेटा लेवल पैरेललिज्म आप उसे कह सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मॉडल करने के लिए यूज़ होती है. चलिए जी, एनी वेज मैं आपको ये रूफ लाइन परफॉर्मेंस मॉडल समझाता हूँ. बेसिकली आप इसमें परफॉर्मेंस कंपेरिजन के लिए, अगर आपके दो डिफरेंट वैक्टर प्रोसेस हैं जिनमें एस आई एम डी एक्सटेंशन यूज़ हो रही हैं या वैक्टर एक्सटेंशन यूज़ हो रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को आपने अगर मॉडल करना है या कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप ये रूफ लाइन परफॉर्मेंस मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं. इसमें बेसिक आइडिया ये है जी, ये प्लॉट पीक पर फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस एज अ फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक इंटेंसिटी, ठीक है जी. फ्लोटिंग पॉइंट थ्रूपुट एज अ फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक इंटेंसिटी. नंबर टू, ये जो फ्लोटिंग रूफ लाइन मॉडल्स हैं, टाइज टुगेदर फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस एंड अरिथमेटिक इंटेंसिटी इन अ टू डायमेंशनल ग्राफ. अगेन तीन चीज़ें जिनको आपने कंसीडर किया हुआ है, जिन पे आपने फोकस रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस और मेमोरी थ्रूपुट परफॉर्मेंस एंड अरिथमेटिक इंटेंसिटी. अभी अरिथमेटिक इंटेंसिटी को मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. इन तीनों पैरामीटर्स को आप टू डायमेंशनल ग्राफ के अंदर जो है वो मॉडल कर रहे हैं. तो अरिथमेटिक इंटेंसिटी क्या है जी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर बाइट एक्सेस्ड थ्रू मेमोरी, ठीक है. आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों का एक प्रोग्राम है, कोई भी आपने कोड लिखा हुआ है, तो हो सकता है आप उस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स, जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं या जितने भी रजिस्टर फाइल है, सिर्फ उस पर आप ऑपरेशंस कर रहे हो, स्टोर और लोड या मेमोरी को एक्सेस ही ना कर रहे हो, तो उसकी अरिथमेटिक इंस्टेंसी बहुत लो होगी, निग्लिजिबल होगी, जीरो होगी. और एक आधा ऑपरेशन आपने लोड मेमोरी से पिक कर लिया, अदरवाइज कोई भी ऑपरेशन नहीं, तो उसकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी बहुत लो होगी. अब कुछ ऐसा भी कोड हो सकता है, अरेज के केस में स्पेशली, आप बेतहाशा वर्ड्स जो हैं वो मेमोरी से लोड और स्टोर करें. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कोड देखा है, इसमें फोर वर्ड्स आप लोड भी कर रहे हैं, फोर वर्ड्स आप स्टोर भी कर रहे हैं, और इवन फोर नहीं कर रहे, आप फोर एक्स के लिए कर रहे हैं, फोर एक्स वाई के लिए लोड कर रहे हैं, और एक वाई के लिए फोर स्टोर कर रहे हैं, 12 ऑपरेशंस आप लोड स्टोर के परफॉर्म कर रहे हैं. तो अरिथमेटिक इंटेंसिटी इस कोड के लिए हायर होगी, जितने भी ज़्यादा मेमोरी एक्सेसेस होंगी. अरिथमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर बाइट एक्सेस, ठीक है. मैं थोड़ा सा गलती कर गया हूँ, ये जो मेमोरी एक्सेसेस हैं, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें, मेमोरी एक्सेसेस जो हैं इट इज़ इन डिनोमिनेटर, ठीक है. तो अगर आपकी मेमोरी एक्सेसेस कम होंगी तो फ्लोटिंग अरिथमेटिक इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है. इसको करेक्ट कर लें, अरिथमेटिक इंटेंसिटी विल बी हायर इफ़ यू हैव लोअर नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस, ठीक है. अगर मेमोरी एक्सेसेस आपकी हायर है तो आपकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी जो है वो लो होगी, ठीक है. तो इसका एक्सप्रेशन जो है क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फॉर अ प्रोग्राम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा बाइट्स ट्रांसफर टू मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो इसका यूनिट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय पर बाइट, ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर बाइट इज अरिथमेटिक इंटेंसिटी. मैं इसको AI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये AI जो है ये आपकी बुक के अंदर नोटेशन यूज नहीं हुई हुई, ये मैं कर रहा हूँ इसको, ये AI इज बेसिकली अरिथमेटिक इंटेंसिटी. आपकी बुक के अंदर इसको उन्होंने डायरेक्टली अरिथमेटिक इंटेंसिटी लिखा हुआ है, AI नहीं लिखा हुआ, ठीक है. तो ये AI की जो टर्म है इसको मैं यूज कर रहा हूँ. तो ये जो आपका रूफ लाइन मॉडल है, इसकी एक्स एक्सिस जो होगी इट विल रिप्रेजेंट अरिथमेटिक इंटेंसिटी, ठीक है जी. तो
समटाइम्स अरिथमेटिक इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉब्लम साइज, ये आप लोगों ने ये बिग ओ नोटेशन एल्गोरिदम से कोर्स में पढ़ी होंगी, तो ये लॉग एन एन लॉ सॉरी एन, तो ये दिस इज हायर, ये प्रॉब्लम साइज इसका हायर है, ओ वन कॉन्स्टेंट है इसका प्रॉब्लम साइज, ये नीचे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, कुछ बेंच मार्क्स के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके ये प्रॉब्लम साइजेस गिवन है। तो कई दफ़ा ये होता है कि प्रॉब्लम साइजेस जो होते हैं उस पर आपकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है, और कई दफ़ा ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो मेन थिंग इज जो अरिथमेटिक इंटेंसिटी है, इट इज़ द एक्स एक्सिस ऑफ योर रूफ लाइन मॉडल, और ये है क्या, नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन जितने भी आपके ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर्स थ्रू मेमोरी, ठीक है, इट इज अरिथमेटिक इंटेंसिटी। तो नंबर टू पैरामीटर जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था जो रूफ लाइन मॉडल के अंदर यूज हो रहा है, इट इज मेमोरी परफॉर्मेंस। ये जो बेसिकली आप कह लें ये जो पीक फ्लोटिंग ये जो अरिथमेटिक इंटेंसिटी है, बेसिकली ये आपको कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है कि आपकी कंप्यूटेशनली आप कितना अपने माइक्रोप्रोसेसर को यूज करें। जो वाई एक्सिस है रूफ लाइन मॉडल की, इट इज पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी है, अरिथमेटिक इंटेंसिटी, और ये जो पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस है बेसिकली ये आपको आपकी माइक्रोप्रोसेसर की एक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करी है, ये मैंने अरिथमेटिक इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं करी, कंप्यूटेशनल सॉरी पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस जो है, फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस जो है ये आपको कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करी है, और ये जो परफॉर्मेंस है इट इज़ वाई एक्सिस ऑफ रूफ लाइन मॉडल, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन है ये है क्या, इट कैन बी फाउंड यूजिंग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, ये जो आपके आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा उसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की बेस पे आप ये जो है ये पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, इट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ओके जी, नेक्स्ट पैरामीटर इज पीक मेमोरी परफॉर्मेंस, ये क्या जी, कैलकुलेटेड फॉर मेमोरी सिस्टम बिहाइंड ऑन चिप कैशेस। बेसिकली आप वेक्टर आर्किटेक्चर पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो कैशेस की मेमोरी होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, राइट, तो अगर आप एक लार्ज प्रोग्राम पे जिसमें लार्ज डेटा को आपने एक्सेस करना है या स्टोर करना है, तो वो हो सकता है आपके कैशेस के अंदर पूरे फिट ना आ रहे हों, आपको रैम से एक्सेसिस करनी हो, ठीक है, तो नॉर्मली आप जो पीक मेमोरी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं ये आप रैम से बिहाइंड कैशेस जो हैं ऑन चिप कैशेस वहाँ से आप मेमोरी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। वन वे टू फाइंड द डिलीवर्ड पीक मेमोरी परफॉर्मेंस इज टू रन द स्ट्रीम बेंचमार्क्स, ये बेंचमार्क्स रन करके एक तरीका है, एक बेंचमार्क्स रन करके आप ये पीक मेमोरी परफॉर्मेंस को है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। रूफ लाइन मॉडल के अंदर ये जो पीक मेमोरी परफॉर्मेंस है ये 45 डिग्री लाइन होगी, वो आपको जो है वो आपको पीक मेमोरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये मॉडल, तो आपको समझ आ जाएगी। 45 डिग्री लाइन की स्लोप क्या होती है जी, कौन बताएगा 45 डिग्री लाइन की स्लोप क्या होगी, कौन बताएगा जी, हाँ गुड, ठीक है, शुक्र है जी, इतना आप लोगों को मालूम है। 45 डिग्री की लाइन जो है वो उसकी स्लोप 1 है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप गौर करें ना इसके ऊपर ये जो पीक मेमोरी परफॉर्मेंस है, तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पीक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस गीगा फ्लोप्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय गीगा फ्लोप्स पर बाइट, इसको अगर आप सॉल्व करें ना तो आपके पास बाइट्स पर सेकंड आ जाएगा। तो बेसिकली जो आप पीक मेमोरी परफॉर्मेंस है ये फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस और अरिथमेटिक इंटेंसिटी यहाँ से आपके पास आई है, आपके पास आपने वाई एक्सिस के पैरामीटर को डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की पैरामीटर को आपने लिया और आपने यहाँ पर स्लोप फाइंड किया बेसिकली, तो आपके पास ये बाइट्स पर सेकेंड तो पीक मेमोरी परफॉर्मेंस जो है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। तो आपने बेसिकली पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस पी पीक और डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक इंटेंसिटी ये एक्सप्रेशन आपने यूज किया है, तो आपके पास पीक मेमोरी परफॉर्मेंस जो है आपके पास अवेलेबल हुई है, ठीक है जी। तो इन पैरामीटर्स में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं आपको रूफ लाइन मॉडल एक ग्राफ से दिखाता हूँ।
बल्कि अभी भी थोड़ा सा आगे हम चलते हैं इससे नेक्स्ट के मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये रूफ लाइन मॉडल हैं, इनको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम थोड़ा सा और कुछ थोड़ा मैथमेटिकली हम देख लें। तो ये तो पीक परफॉर्मेंसेज है ना, तो अटेनेबल परफॉर्मेंस आप किसी भी आपके किसी एक प्रोग्राम के लिए, कोई भी आप कोड रन कर रहे हैं तो उसके लिए अटेनेबल परफॉर्मेंस जो है इट इज डिनोटेड बाई पी। ये जो पैरामीटर्स है ना, पी एम पीक पी पीक ए आई, ये सारे मैंने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, ये आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो अटेनेबल परफॉर्मेंस लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, मैंने उसको पी का नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। तो अटेनेबल परफॉर्मेंस इज बेसिकली इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस कॉमा पीक मेमरी परफॉर्मेंस इनटू अरिथमेटिक इंटेंसिटी। इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर जो भी मिनिमम होगा डेट इज योर अटेनेबल परफॉर्मेंस। अब यहाँ से हम मिनिमम क्यों चूज करें, बेसिकली लेट्स सपोज आप ये कह लें कि आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसके एक कंपोनेंट की परफॉर्मेंस जो है आप कह रहे हैं 10 यूनिट्स है, सेकंड की परफॉर्मेंस जो है वो 7 यूनिट्स है, लेट्स सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर को भी छोड़ें, कोई एक सिस्टम है और आप कहते हैं कि आप उसमें दो कंपोनेंट्स हैं और उसमें से एक कंपोनेंट की परफॉर्मेंस जो है 10 यूनिट्स है और सेकंड कंपोनेंट की परफॉर्मेंस जो है वो 7 यूनिट्स है, तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो मिनिमम जो परफॉर्मेंस अवेलेबल होगी उससे लिमिटेड होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक ही परफॉर्मेंस 7 यूनिट्स है और एक ही 10 यूनिट्स है, तो आप कहें कि आप इस सिस्टम से 10 यूनिट्स की परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 7 मैक्सिमम 7 यूनिट्स ओवरऑल अटेनेबल परफॉर्मेंस जो होगी डेट विल बी 7 यूनिट्स, ठीक है। ये सिंपल सा जनरल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया आपको इस बात में कि एक कोई सा सिस्टम है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक की परफॉर्मेंस 10 यूनिट्स है, एक की परफॉर्मेंस 7 यूनिट्स है, तो ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस होगी अटेनेबल परफॉर्मेंस होगी डेट विल बी 7 यूनिट्स, 10 यूनिट्स नहीं हो सकती, ठीक है जी। जो 7 यूनिट्स वाला कंपोनेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर के केस में भी यही हो रहा है, आपके पास दो तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, एक परफॉर्मेंस आपकी फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस है, नंबर टू सेकंड आपकी आप कह लें कि मेमोरी यूनिट की वजह से जो परफॉर्मेंस है ना, एक एग्जीक्यूशन यूनिट की वजह से परफॉर्मेंस है फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस पी पीक, और ये जो मेमोरी यूनिट की वजह से जो परफॉर्मेंस है ना एम पीक इनटू ए आई, जो बेसिकली यहाँ से आपको मिली है, आप इस अरिथमेटिक इंटेंसिटी को एम पीक से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पीक परफॉर्मेंस होगी ड्यू टू मेमोरी एक्सेसेस, ठीक है। इन दोनों परफॉर्मेंसेस की वजह से इनमें से जो मिनिमम होगी, जो मिनिमम होगी डेट विल बी अटेनेबल परफॉर्मेंस फॉर योर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप इस एम पी को अरिथमेटिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, दिस पी पीक विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस दैट द मेमोरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कैन सपोर्ट फॉर अ गिवन अरिथमेटिक इंटेंसिटी। फॉर अ गिवन अरिथमेटिक इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस जो आप मेमोरी सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी पी पीक है, और ये जो सिंपल पी पीक है जिसको हमने पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस कहा है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटेशंस, ठीक है जी। तो ये दोनों, एक एग्जीक्यूशन यूनिट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस है, एक आपकी मेमोरी यूनिट की वजह से परफॉर्मेंस है, तो ये जो आपकी अटेनेबल परफॉर्मेंस है पी, इट इज लिमिटेड बाय इसमें से जो मिनिमम है उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अटेनेबल परफॉर्मेंस जो है लिमिटेड है, ठीक है जी। ऐसा है अगर आपका एग्जीक्यूशन यूनिट आपने बहुत फास्ट कर दिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पेशली चैप्टर टू में, अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है और आपने उससे सपोर्टेड मेमोरी, आपने मेमोरी बैंक अटैच नहीं किया और एक स्लो मेमोरी बैंक अटैच कर दिया, तो आपका मेमोरी बैंक आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहा होगा, वो लिमिट कर रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आप मेमोरी बैंक्स अटैच करते हैं, डिफरेंट लेवल कैशेज अटैच करते हैं ताकि आपकी जो लेटेंसी के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो और इस मेमोरी यूनिट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डीग्रेड ना हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अटेनेबल परफॉर्मेंस क्या है, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर मैं आपको रूफ लाइन मॉडल्स जो हैं उनके एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ओके जी। आगे चलते हैं, ये आपके टू माइक्रो प्रोसेसर हैं, बेसिकली ये इंटेल कोर i7
920 Nehalem जनरेशन, Nehalem आर्किटेक्चर का नाम है बेसिकली, आई गेस ये नाइन्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है, ये उसका रूफ लाइन मॉडल है और ये एक NEC जैपनीज कंपनी है, यस इट इज़ जैपनीज कंपनी, इसका एक सुपर कंप्यूटर है SX9, ठीक है जी, ये इसका माइक्रो, इसका रूफ लाइन मॉडल है, ठीक है जी, दिस इज सुपर कंप्यूटर SX9 और ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल कोर i7, इन दोनों के रूफ लाइन मॉडल्स हैं, एक्स एक्सिस पे आपकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस पे आपकी फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन है और ये जो 45 डिग्री की लाइन है इट इज़ मेमोरी परफॉर्मेंस, पीक मेमोरी परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो अब अगर हम गौर करें, अगर हम अरिथमेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ये दिस इज अरिथमेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 और इस पॉइंट के ऊपर जो पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। 102.4 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, 42.66 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, दिस इज पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, इससे ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है i7, तो AI arithmetic intensity, ये arithmetic intensity आपके कोड के अंदर है, आपका जो प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हैं उसके अंदर मेमोरी ऑपरेशंस कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा है आपकी arithmetic intensity क्या है। तो लेट्स सपोज फॉर अ गिवन प्रोग्राम और कोड, लेट्स सपोज इट्स arithmetic intensity इज इक्वल टू 4, फॉर दिस arithmetic intensity इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस डेट यू कैन गेट फ्रॉम कोर i7 इज 42.66, ठीक है जी, और इस सुपर कंप्यूटर में आप 102.4 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, दिस इज पीक फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये मेमोरी की अगर आप बात करें, तो ये पहले पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो ये आपका जो सुपर कंप्यूटर है इट इज़ 2.4 टाइम्स फास्टर देन कोर i7, आप इसको डिवाइड कर दें इन रेशियोज को, इन वैल्यूज को, तो ये सुपर कंप्यूटर जो है For your code which has arithmetic intensity is equal to 4, this SX9 is 2.4 times faster than Core i7. ठीक है जी। और memory performance क्या है? This is 162 and 16.4. ये इन दोनों के लिए equal है क्योंकि ये line यहाँ से होते हुए यहाँ पे flat हो गई है, right? तो it is 9.88 times SX9 is 9. इसकी peak memory performance is 9.88 times faster than Core i7. Clear है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। लेट्स सपोज अब हमारे पास, हमने एक और प्रोग्राम हमारे पास है जिसकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 4 की बजाय 1/4 है, 0.25, राइट? उस केस में आपकी जो पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस है कोर i7 के केस में रफली 4.1 है, राइट, 4.1, और इस सुपर कंप्यूटर के लिए इट इज 40.5, roughly 40.5, ठीक है जी। तो वही कंप्यूटर्स हैं, ये सुपर कंप्यूटर है कोर i7 जो यहाँ पे थे, ठीक है, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के लिए दिस सुपर कंप्यूटर इज 10 टाइम्स फास्टर देन कोर i7, जबकि इस कोड के लिए जिसमें अरिथमेटिक इंटेंसिटी 4 थी आपका सुपर कंप्यूटर ओनली 2.4 टाइम्स फास्टर था, यहाँ पे इट इज 10 टाइम्स फास्टर, ठीक है। तो अगेन आप में से कोई कहता ना कि मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है, तो ऐसा नहीं है। ये अब जो है प्रोग्रामर्स जो हैं उन पे भी मैटर करता है कि वो अरिथमेटिक इंटेंसिटी कितनी रखते हैं, अगर अरिथमेटिक इंटेंसिटी लो है तो आपके कई कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका जो फास्ट जो फैक्टर है फास्ट होने का वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 2.4 था, नाउ इट इज़ 10 टाइम्स फास्टर फॉर दिस कोड विच हैज़ अरिथमेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू 0.25, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग मुझसे पूछ लें, लेकिन पीक मेमोरी परफॉर्मेंस या आपकी स्टिल दोनों की वही ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये लाइन मिल रही है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है और ये जहाँ पे इनका एक एज बन रहा है, इस एज को कहते हैं रिज पॉइंट, ठीक है।
ये रिच पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कोड लिखना हो ना, प्रोग्राम लिखना हो, और आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे रन हो, आपका आपके पास लेट्स सपोज एक सुपर कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है, और आप इस सुपर कंप्यूटर को अगर आप कहीं यहाँ पे हाई अरिथमेटिक इंटेंसिटी पे रन करेंगे तो ये 102.4 पीक मेमोरी परफॉर्मेंस पे ये रन होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आपका ये जो ये वाला पॉइंट है, ये जो फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिच पॉइंट है बेसिकली जितना ये लेफ्ट पे होगा ना, जितना ये लेफ्ट पे होगा आपके माइक्रो प्रोसेसर की किस्म, यानी ये कोर i7 का जो रिच पॉइंट है ये राइट साइड पे है। इट मीन्स ये जो कोर i7 है इट इज़ रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू दिस सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इसका रिच पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है। जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना अच्छा है। रीजन, इफ रिच पॉइंट इज टू द लेफ्ट मैनी मोर प्रोग्राम्स कैन रीच द पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस ऑन वेक्टर प्रोसेसर्स। जितना ये लेफ्ट पे होगा आप उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस पे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इस कोर i7 का छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि आपके वो प्रोग्राम्स जो रफली 3 अरिथमेटिक इंटेंसिटी से हायर हैं, जिनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 3 से ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोग्राम्स पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस अचीव कर पा रहे हैं। जिनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी इस 3 से लो होगी वो पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस पीक परफॉर्मेंस से लोअर वैल्यू होगी। जितना ये रिच पॉइंट लेफ्ट पे होगा उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आप उस पर रन कर सकेंगे जो पीक कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस को हिट कर सकें। यहाँ पे रफली ये पॉइंट जो है 1.2 और 1 के दरमियान है, ठीक है। ये पॉइंट रफली आप कह लें कि ये आप कह लें कि 0.5 के अराउंड अबाउट है, ठीक है। तो 0.5 अरिथमेटिक इंटेंसिटी से जितने भी आप प्रोग्राम्स हायर लिखें जिनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी 0.75 से हायर होगी, जितनी भी प्रोग्राम होंगे वो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, आपके पास ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे जो इस पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकेंगे। और i7 के अंदर सिर्फ वो प्रोग्राम्स पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सकेंगे जिनकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी रफली 3 से हायर है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ लें। या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इट विल बी GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है।